खबरों से बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। बीएसपी को सांसदों से ज्यादा कोऑर्डिनेटर पर भरोसा है। घनश्याम खरवार को लालगंज से टिकट संभव है। वाराणसी आजमगढ़ मंडल के इंचार्ज हैं घनश्याम और नौशाद अली के लिए कन्नौज सीट चिन्हित। लखनऊ कानपुर मंडल के इंचार्ज हैं नौशाद और लाला राम अहिरवार के लिए जालौन सीट तय। झांसी चित्रकूट मंडल के इंचार्ज हैं लाला राम। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ को अयोध्या से टिकट मिलने की संभावना है। विश्वनाथ को अंबेडकर नगर से भी लड़ाई जाने की चर्चा है। बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी के संपर्क में है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल अग्रवंशी लगातार जुड़े हुए हैं। बीएसपी के अंदर भी विशाल अगर हम देखें तो टिकटों को लेकर माथापाची चल रही है और खबर ये मिल रही है कि सांसदों से ज्यादा कोऑर्डिनेटर पर भरोसा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, बसपा जो है अपने मौजूदा सांसदों से ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेटर्स पर भरोसा कर रही है और जो मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको जो है अब जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा की। हालांकि सबसे पहले जो है बसपा ने ये शुरुआत भी की थी कोऑर्डिनेटर्स पर को जो है बसपा का उम्मीदवार बनाने की, लेकिन अब इस बार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सांसदों के टिकट काट कर कोऑर्डिनेटर्स को जो है टिकट दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अलग अलग जगहों पर जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनका चयन भी शुरू हो गया है और यह कयास लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में बसपा जो है इन कोऑर्डिनेटर्स के नाम की घोषणा भी कर देगी, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो बसपा के सांसद हैं वो दूसरे दलों के संपर्क में हैं, जिसकी वजह से बसपा ये कदम उठा रही है और कोऑर्डिनेटर्स पर भरोसा जता रही है। अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, अयोध्या या अंबेडकर नगर से उनको लड़ाया जा सकता है। इसके साथ नौशाद अली हैं, उनको जो है लड़ाया जा सकता है। तो सबके लिए अलग अलग सीटों का जो चयन है वो किया जा रहा है और कोऑर्डिनेटर्स जो बनाए गए हैं अलग अलग मंडल्स के उन पर जो है बसपा सुप्रीमो ने भरोसा जताया है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में इनका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इनके नाम भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। विशाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। इस बीच